नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमवार को रूस की यात्रा पर मॉस्को पहुंचे। उन्होंने अपने नए कार्यकाल के अपने पहले द्विपक्षीय दौरे के लिए रूस को चुना, वह भी तब जब आमतौर पर भारत के नए प्रधानमंत्री अपनी पहली यात्रा पड़ोसी देशों में करने की प्रथा का पालन करते रहे हैं। पीएम मोदी खुद पहले ऐसा करने के लिए पड़ोसी देशों को चुनते रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने रूस को चुना। आधिकारिक प्रेस रिलीज के अनुसार मोदी और पुतिन अपनी बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों की समीक्षा करेंगे और आपसी हितों में मजबूत क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को रूस पहुंच चुके हैं, जहां वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात कर कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसी बीच AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी को पुतिन के सामने यूक्रेन युद्ध में भारतीयों की भर्ती का मुद्दा उठाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, चूंकि नरेंद्र मोदी रूस में हैं, इसलिए उन्हें पुतिन से संपर्क रखना चाहिए और यूक्रेन युद्ध में लड़ने के लिए भारतीयों की भर्ती को रोकना चाहिए। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि युद्ध में फंसे निर्दोष भारतीयों को जल्द से जल्द घर वापस लाया जा सके। मणिपुर दौरे पर पहुंचे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। कांग्रेस नेता ने कहा, यहां बड़ी त्रासदी हुई है, इस बार मुझे हालात के बेहतर होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुख की बात है कि हालात बेहतर नहीं हुए हैं। नफरत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं मिलेगा, मोहब्बत और भाईचारे से रास्ता निकल सकता है। मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ के हालात से दुखी हूँ। पीएम मोदी को मणिपुर पहले ही आ जाना चाहिए था। पीएम से आग्रह है कि यहाँ आकर लोगों की बात सुने, इससे मणिपुर के लोगों को भरोसा मिलेगा। नेता विपक्ष राहुल गांधी जिरीबाम और चुरा चांदपुर राहत शिविरों में पहुंचे। हालांकि वो चुरा चांदपुर राहत कैंप में पहले भी गए थे, लेकिन अब वो बतौर नेता विपक्ष पहुंचे हैं। जिरीबाम में राहुल गांधी ने IDP से मुलाकात कर उनकी शिकायतें सुनी। उन्होंने कुकी समुदायों से और मैतई लोगों से राहत कैंपों का दौरा किया। राहुल ने दोनों समुदायों से अपील की। राहुल ने उनसे कहा कि इन जाति हिंसाओं को राजनीति ने पैदा किया है, इसमें यहाँ के लोगों का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने लोगों से कहा कि शांति ही खुशहाली लाती है। जाति हिंसा ने उन लोगों को राहत शिविरों तक पहुँचा दिया है। लोगों ने आरोप लगाया कि राहत शिविरों में सरकार की ओर से कोई इंतजाम नहीं है। राहुल गांधी के आने से पहले सोमवार तड़के लगभग 3:30 पर अज्ञात बंदूकधारियों ने पड़ोसी पहाड़ी जिले तमेंगलोंग के फैतोल से जिरीबाम से एक पुलिस चौकी की ओर गोलीबारी शुरू कर दी। SP जिरीबाम प्रदीप सिंह ने मीडिया को बताया कि सुबह 10 बजे तमेंगलोंग पुलिस ने फायरिंग के मामले में कुकी जो समुदाय के दो लोगों को गिरफ्तार किया और कुछ हथियार भी बरामद किए थे। हालांकि गोलीबारी में कोई भी घायल नहीं हुआ, लेकिन आग की चपेट में आने वाली चीजों में एक बख्तरबंद वाहन भी शामिल था। सोमवार की सुबह एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की मॉस्को यात्रा के लिए रवाना हुए, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हिंसा के प्रभावित राज्य मणिपुर के लिए रवाना हुए। हालांकि कांग्रेस ने पीएम मोदी की मॉस्को यात्रा को लेकर कटाक्ष किया है। जयराम रमेश ने कहा कि गैर जैविक प्रधानमंत्री को हिंसा प्रभावित मणिपुर का कुछ घंटों के लिए भी दौरा करने का समय नहीं मिला, जबकि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की पूर्वोत्तर राज्य की एक साल से अधिक समय में तीसरी यात्रा होगी। झारखंड में आज हेमंत सोरेन सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और JMM नीत गठबंधन के 10 अन्य नेताओं के मंत्री पद के तौर पर शपथ ली। वहीं अब गठबंधन के मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सहित 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल में नए चेहरों में कांग्रेस के जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह और JMM के लातेहार से विधायक वैजनाथ राम शामिल हैं। जिन नेताओं ने अपना मंत्री पद बरकरार रखा है उसमें कांग्रेस के रामेश्वर उरांव और बन्ना गुप्ता शामिल हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में 45 वोट पड़े, वहीं विपक्ष में 0 वोट पड़े। BJP विधायक वोटिंग के दौरान विधानसभा से वॉकआउट कर गए। वोटिंग से पहले विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए हेमंत सोरेन ने BJP पर जमकर निशाना साधा। हेमंत सोरेन ने कहा,
ना इनके पास सोच है और ना ही एजेंडा है। इनके पास केंद्रीय एजेंसियां हैं। जितने विधायक हैं उससे आधे भी आ जाएं तो बड़ी बात होगी। लोकसभा चुनाव में चेहरा दिखा दिया है, अब बचा है तो राज्यों का चुनाव। महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ा जाएगा और इनको उसमें भी आईना दिखाएंगे। इनका षड्यंत्र नहीं चलने वाला है। मुंबई के बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन केस में आरोपी राजेश शाह को जमानत मिल गई है। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए स्थानीय सेवरी कोर्ट ने शिवसेना नेता की बेल मंजूर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने 15,000 रुपए की नगद राशि जमा करने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि राजेश शाह आरोपी मिहिर शाह के पिता हैं। 24 साल के मिहिर ने रविवार तड़के बीएमडब्ल्यू कार से एक महिला को टक्कर मार दी थी। दुर्घटना का शिकार 45 वर्षीय कावेरी नाखवा ने अस्पताल में दम तोड़ दिया और उसके घायल पति प्रदीप का इलाज चल रहा है। मुंबई बीएमडब्ल्यू केस में सोमवार 8 जुलाई को दूसरे दिन भी पुलिस मुख्य आरोपी 24 साल के मिहिर शाह को पकड़ नहीं पाई है। इसके खिलाफ पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। बदली हिट एंड रन मामले में 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक मिहिर की तलाश में 6 टीमें लगी हुई हैं। इस केस में पुलिस ने अभी तक सिर्फ 2 गिरफ्तारियां की हैं। मिहिर के पिता और महाराष्ट्र के पालघर जिले में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के उपनेता राजेश शाह और उनके ड्राइवर राजश्री बिजावत को रविवार शाम को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का कहना है राजेश शाह और ड्राइवर जांच में पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि ये साफ है कि नीट का पेपर लीक हुआ है। इसने कहा है यदि नीट पेपर लीक का प्रचार सोशल मीडिया पर हुआ है तो दोबारा परीक्षा का आदेश दिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा अगर हम दोषियों की पहचान करने में समर्थ हैं तो फिर से परीक्षा का आदेश देना होगा। अगर परीक्षा की पवित्रता भंग होती है तो फिर से परीक्षा का आदेश देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी 10 जुलाई को शाम 5 बजे एनटीए केंद्र और सीबीआई के हलफनामे रिकॉर्ड पर रखने को कहा है और मामले की सुनवाई 11 जुलाई के लिए टाल दी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच नीट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। कई छात्रों और कोचिंग संस्थानों ने नीट यूजी 2024 के नतीजों के खिलाफ याचिका दायर की है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने बंगाल सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न, जमीन हथियाने और राशन घोटाले से जुड़े सभी मामलों को सीबीआई जांच का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने सवाल उठाया और पूछा कि राज्य को इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों है, आखिरकार राज्य सरकार किसी को बचाना क्यों चाहती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक वरिष्ठ विधायक को बिना इस्तीफा मंजूर हुए मोहन यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाने से बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर और राज्यपाल मंगू भाई पटेल को कटघरे में खड़ा करते हुए लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। इसे लेकर शिकायतों का दौर भी तेज हो गया है। कांग्रेस पूरे मामले को लेकर कोर्ट जाने की बात कह रही है। इस मामले को लेकर सत्य हिंदी ने मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह से संपर्क किया तो उन्होंने बताया सचिवालय को रावत का इस्तीफा अभी नहीं मिला है। संभवतः इस्तीफा उन्होंने स्पीकर को दिया होगा। कोई भी विधायक इस्तीफा देता है तो इस्तीफा आने के बाद विधायक से पुष्टि की जाती है, पूछा जाता है कोई दबाव तो नहीं है। यदि स्वेच्छता से त्याग पत्र की बात की जाती है तो उसे मंजूर कर लिया जाता है। पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना की तरफ से हो रहे निर्माण को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा चीन ने भारतीय क्षेत्र में अपने गांव बसा लिए, बंकर भी बना रहे हैं, भारत की लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया है, अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों के नाम बदलकर सूची जारी की, LAC पर हमारे 65 पेट्रोलिंग प्वाइंट में से 26 कम हो चुके हैं। ये सारी बातें मीडिया कह रहा है, ये सूचनाएं सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी अभी भी कह रहे हैं ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है। मोदी सरकार किस दबाव में भारत की सीमा सुरक्षा और अखंडता को लेकर इतने समझौते कर रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के सुदूर माचेदी इलाके में आतंकवादियों से सेना के वाहनों पर गोलीबारी कर दी। इसमें सेना के 2 जवान घायल हो गए। वहीं सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है।
अधिकारियों ने बताया कि घटना कठुआ शहर के 150 किलोमीटर दूर लोहिया मल्लार के बदनोटा गांव में हुई, जब सेना के कुछ जवान इलाके में नियमित गश्त पर थे। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और अंतिम रिपोर्ट मिलने तक गोलीबारी जारी थी। अधिकारियों ने बताया कि इलाके में अतिरिक्त बल भेजा गया है। रुपौली का उपचुनाव दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। राजद प्रत्याशी बीमा भारती को अब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का समर्थन मिल गया है। ये वही पप्पू यादव हैं जिन्होंने बीमा भारती को हराने के लिए पूर्णिया में वोट मांगा था। अब वे बीमा भारती को रुपौली की बेटी बता रहे हैं। पप्पू यादव ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैं रुपौली की जनता से क्षमा मांगता हूँ। महागठबंधन के कैंडिडेट से अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा कीजिए, माफ कर दीजिए। उन्होंने यह भी कहा, मैं सूद और ब्याज के साथ काम करूंगा। दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद आप नेता मनीष सिसोदिया ने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सिसोदिया ने शराब नीति मामले की सुनवाई में देरी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका फिर से शुरू करने की मांग की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस याचिका में जो कमियां हैं उनको दूर कीजिए, फिर इस पर सुनवाई करेंगे। ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा के दौरान भगवान बलभद्र का रथ खींचते समय एक भक्त की दम घुटकर मौत हो गई। रथ यात्रा में शामिल होने के लिए 10 लाख श्रद्धालु शहर में हैं। मरने वालों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। भगदड़ जैसी स्थिति के कारण कई अन्य श्रद्धालु घायल हो गए हैं। घायलों को पुरी जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग ने स्थिति का जायजा लेने के लिए दौरा किया। मंत्री महालिंग ने कहा, हम मृतक की पहचान पता करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से अस्पताल अधिकारियों को घायलों के उचित स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए तैयार करने का निर्देश दिया है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी .com पर।